सलाम वालेकुम। जी आज भी मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और बातें ये है कि इस वक्त मैं सोच में पड़ा हूँ जापान जाने का या नहीं। उसका वजह ये होता है कि बजट में थोड़ा कमी आ गया, तो परेशानी होगी ना। अगर मैं जापान चले जाऊं तो जा सकता हूं। मेरा पास वीजा है, अभी फिलहाल वीजा लगा हुआ है, पासपोर्ट पे जा सकता हूं। 18 तारीख में एक्सपायर हो रहा है, लेकिन अगर जाऊं तो जाहिर है टिकट भी बहुत महंगा है। मेरे से गलती ये हो गया कि मैंने 1-2 महीना पहले अगर टिकट ले लेता तो मुझे सस्ता पड़ जाता। अब दिन पर दिन टाइम नज़दीक होता रहेगा, जहाज का जो टिकट है ना वो महंगा होता रहेगा ऑनलाइन पे। जैसा अभी 1 घंटा तक मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आधा घंटा हो सकता है, तो आधा घंटे के बाद फिर उसका जो है ना थोड़ा सा प्राइस में इंक्रेस होता है। मतलब यानी ज़्यादा उसका प्राइस 100-150 रुपया यहाँ का ताइबाद जो है ना बढ़ जाता है। मतलब फिर 2 घंटा वेट करूँ फिर और बढ़ जाएगा, फिर कल के लिए वेट करूँ तो हो सकता है 500 बढ़ जाए। इस तरह जहाज का जो है ना ऑनलाइन में अगर आप टिकट खरीदोगे किसी भी कंपनी से, मतलब जैसा कि स्काइनर है, ट्रिप है, बहुत सारी कंपनियां हैं ना जो सेल करते हैं टिकट, वो प्राइस में कुछ डिफरेंट हो जाता है फिर। तो लिहाजा मेरा मकसद ये है कि मैंने इसलिए ये बात अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के पास ये वीडियो। तो मैं सोचा अगर आप लोग कोई भी है जैसा कि पाकिस्तान से है या इंडिया से या श्रीलंका से, अगर उसको हिंदी उर्दू मालूम है तो कमांड में लिख लें कि क्या इरादा है आपका, जाऊं या नहीं। जाने का ये सिचुएशन है कि मेरा बजट कम है, वहाँ हो सकता है मैं शॉर्टकट रहे 3 दिन रहूं, फिर उसके बाद फिर आ जाऊं, फिर थाईलैंड में भी नहीं बैठ सकता हूँ, बजट पूरा ख़त्म। अगर ना जाऊं तो थाईलैंड में 3 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना या हो सकता है 2 महीना भी बैठ सकता हूँ। मगर थाईलैंड में जगह बहुत है वीडियो बनाने का, जापान में भी होगा, लेकिन जापान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप किसी और इलाके में जाओगे तो आपको शिनकंसन ट्रेन में जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई वीआईपी बस या कोई बस में, तो जाहिर है उसके टिकट बहुत महंगे होते हैं। अभी थाईलैंड में ये ऑप्शन है कि आप सस्ते वाले ट्रेन में भी कहीं दूर जा सकते हो, जैसा कि पूरे रात ऐसा बैठना, मतलब वो उसका कुर्सी आगे पीछे नहीं होता है, इसी तरह ना जो कम टिकट में जो इकोनॉमी होते हैं, मतलब इसी तरह। बाकी मैं ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ जाऊँ तो जा सकता हूँ, तो मेरे पैसे जो है ना बजट कम हो जाते हैं, फिर थाईलैंड में बैठ नहीं सकता हूँ, फिर आप लोगों के लिए अपलोड नया वीडियो जो है ना बन नहीं सकता है। अगर ना जाऊं तो फिर थाईलैंड में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अभी तक मैं नहीं गया हूँ, बहुत खूबसूरत खूबसूरत इलाके हैं वहाँ, यहाँ पर थाईलैंड में, तो मैं इसी इलाकों में टूरिस्ट कर सक मतलब टूर कर सकता हूँ, तो आप लोगों के लिए फिर नया नया वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, बना सकता हूँ नया नया वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को मतलब दिखाने के लिए अपलोड कर सकता हूँ। बाकी बात ये है कि अगर आप लोग बोलो जापान में चले जाओ तो फिर 3 दिन का मजा है बस, 3 दिन के बाद फिर वापस थाईलैंड में भी नहीं रह सकते हो, सीधा पाकिस्तान। फिर 3 दिन के अंदर मेरा सब्सक्राइब भी बहुत कम है, तो मैं ये डिसाइड किया कि नहीं जाऊं। लेकिन आप लोगों का क्या ख्याल है, वीज़ा तो इतना आसानी से जापान का नहीं मिलता है। मुझे अभी पाकिस्तान से, पहले तो खैर मैं कतर से जाता था, पहले मेरे पास जॉब भी था, पेट्रोल का टैंकर चलाता था कतर में, बड़ा टेलर जो होता है ना पेट्रोल का, उसका ड्राइवर था मैं, तो मेरा सैलरी वगैरह भी अच्छा था, तो जापान वालों ने वहाँ से भी सैलरी, बैंक बैलेंस वगैरह वगैरह देख के वीज़ा मतलब इंट्रू लेके इंट्रू वगैरह करके, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स मेरा सही था तो वीज़ा मिल गया था। कुछ जापान का एम्बेसी का ये फायदा है, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसिंग है तो आपको बोल देता है कि जाके ठीक करा के आ जाओ। बाकी कुछ ऐसे मुल्क हैं जो एम्बेसी नहीं बताते हैं, जैसा आपने सप्लाई अप्लाई किया थोड़ा बहुत, मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा दिया, उसने बोला हाँ ठीक है,
सेंड कर देते हैं, फिर वहां से रिफ्यूज हो जाता है कि ये चीज मिसिंग था, ये चीज जैसा मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था। तो खैर ये तो कोई दूसरी बात हो गई ना। अभी बात ये है कि आप लोगों का क्या इरादा है, कि क्या क्या ले, मतलब क्या मशवरा है। जापान जाऊं, 3 दिन का अपलोडिंग हो जाएगा वीडियो, उसके बाद थाईलैंड में बैठ नहीं सकता हूँ, सीधा पाकिस्तान। अगर नहीं जाऊं तो थाईलैंड में भी बैठ सकता हूँ, इसकी बीच में एक मलेशिया का टूर भी शायद हो सकता है, लाओस या हो सकता है कंबोडिया, ये तीनों मुल्क जो है ना यहाँ से वीजा मिल जाता है पाकिस्तानी पासपोर्ट को। बाकी इंडियन पासपोर्ट को तो कहीं भी चले जाओ, मतलब ये आजू बाजू जितने मुल्क के हैं ना, जैसा वियतनाम है, इंडोनेशिया है, फिलिपिन है, ये सब ऑनरेबल है इंडोनेशिया इंडियन पासपोर्ट के लिए। हम लोगों का यही बदनसीबी है कि हम लोगों को हर मुल्क में वीजा चाहिए, वीजा 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 बस। अभी कुछ कंट्रियां यहाँ से ऑप्शन दे रहे हैं कि वीजा लग जाता है, जैसा मलेशिया है, अभी आपका पास अगर मल्टीपल वीजा है थाईलैंड का तो आपको मलेशिया जा सकते हो, फिर वापस आ सकते हो। मल्टीपल नहीं भी होगा तो फिर मलेशिया से आप आके सीधा एयरपोर्ट से फरार, मतलब यहाँ से सीधा एंट्री नहीं होगा, सीधा मुल्क, ऐसा भी ऑप्शन है। कम्बोडिया का भी यही ऑप्शन है, लेकिन लाओस वालों ने क्या बोला कि मल्टीपल वीजा होगा तब आपको मैं हम लोग यहाँ से वीजा जो है ना अप्रूव कर देते हैं, फिर आप लाओस चले जाओ, वापस थाईलैंड आ जाओ। मतलब ये लाओस का एम्बेसी में मैंने सुना था, ये बैंकॉक में। बाकी मैंने लाओस में 2 बार विजिट कर चुका हूँ, एक बार तो थाईलैंड से वीजा लगाया, और आखिर में जो मैं कंबोडिया में गया था, कंबोडिया से भी थाईलैंड और लाओस का वीजा लगा लेते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। बाकी बात ये है भाईजान, दुनिया का हालात भी दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, गुर्बत हर मुल्क में है, हर जगह में परेशानी है, हर जगह में दुख की परेशानी है, मतलब ये इंसान की मतलब साथी है, दुख परेशानी खुशी वगैरह ये सब इंसान की साथी है, इससे घबराओ मत। किसी बंदे को अगर कोई दुख होगा तो वो बोलेगा यार मेरा पास तो ये हालात है, मेरा नसीब करा, नहीं, ये आपकी जिंदगी का साथी है, ये आ जाते हैं कभी कभी, दुख भी आ जाता है और उसके बाद अचानक खुशी भी आ जाता है, ये बात याद रखो। मैंने बहुत सारे दुख काया, मैंने दुख बहुत मतलब देखा, मैं कतर में जब गया था मेरा पास घर भी नहीं था, मैंने बहुत सारे तकलीफ, गर्मी में वहां बहुत गर्मी होता है, 2 दिन कभी खाना भी नहीं खाया, आखिर में अल्लाह ने मुझे खुशी दिलाया, पेट्रोल कंपनी में जॉब मिल गया। यानी बर्दाश्त, इंसान वो होता है जो बर्दाश्त करे। एक मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ, क्यों ये थाईलैंड में लोग आते हैं खुश हो जाते हैं, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पर क्यों अभी मुल्क साफ सुथरा है, बना हुआ है, अच्छा फैसिलिटीज है, मतलब बिजली नहीं जाता है, लोड शेडिंग वगैरह नहीं है, क्यों नहीं है? इन लोगों ने सबसे पहले बड़े हथियार बर्दाश्त। हर इंसान बर्दाश्त करता है वो दूसरे इंसान से बहुत आगे जाता है, जो गुस्सा करने वाला होते हैं ना इंसान, उससे आगे जाता है। तो इन्होंने बर्दाश्त किया हर चीज में। अभी देखो इन लोगों को कोई बोलेगा हाय हाउ आर यू, मतलब डिस्टर्ब करके अगर कोई किसी जगह में जा रहा है आप पीछे से भी बोलो हाय हाउ आर यू ना, वो गुस्सा नहीं करेगा, आपका जवाब प्यार से देगा हाय हाउ आर यू। हमारे मुल्कों में नहीं होता है ना, हमारे मुल्क के पीछे से किसी को अचानक आवाज दे दो तो गुस्सा करेगी, यही वजह होता है। दूसरा बात ये है कि देखो अब जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, मेरा जहन से कुछ बातें निकल जाते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए वो बातें भी शायद याद आ जाए। आप लोग तो शायद मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि एक दूसरे का से जो है ना बात सीख जाते हैं, कुछ आइडिया सीख जाते हैं। मेरा अंदर जो आइडिया है वो आप लोगों को मिल जाता है, आप लोगों का अंदर जो आइडिया है वो किसी और को मिल जाता है, इस तरह दुनिया चलता है। बर्दाश्त करो हर हर जगह में। अगर बिल पर आपने, आपके घर की बाजू में एक घर है मिसाल तौर पर, उधर का फैमिली रहते हैं ना, आप उसके पास जाता है, आप वो आप लोग के पास आता है, कभी अचानक उसने गलती किया, उसका बच्चे ने कचरा बाहर फेंक दिया, ठीक है, बाहर फेंक दिया, तो आपने कचरे को उठाया डब्बे में डाल दिया, डब्बे में डाल दिया, उसके साथ गुस्सा भी नहीं किया, उसके साथ प्यार से बात भी किया। तो ये इंसान के लिए अच्छे होते हैं, ये सलूक जो होता है ना इंसान के लिए अच्छे होते हैं, मतलब आपने बर्दाश्त किया, आपकी अगर घर के बाजू में भी उसने कचरा फेंक दिया तो
तो आपने किचरे को उठा के सीधा बल्दिया के ड्रम में फेंक दिया। ये काम भी आपने किया, दूसरा उससे गुस्सा भी नहीं किया। यकीन मानो वो खुद जाके घर में सोच में पड़ा रहेगा फिर कि यार मैंने इसके साथ ये हरकत किया और इसने गुस्सा भी नहीं किया और मेरे से बाकायदा साफ सुथरा और अच्छा खासा मतलब मेरे से बात भी कर रहा है। ये होते हैं हथियार मतलब बर्दाश्त का। आपने बर्दाश्त किया तो उसको हथियार लग गया, वो सोच में पड़ा रहेगा, वो पछताएगा बाद में। यही है जापान वालों क्या करते हैं। जापान में मैं तकरीबन 11 बार विजिट कर चुका हूँ। जापान एक बार आपको आप लोगों को पता है कि वहां पर एटमी बम भी गिरा हुआ था ना हिरोशिमा में, वो जगह में भी मैं गया था। शायद आप लोग मेरा पुराना वीडियो को देखो, वो यूट्यूब की नहीं थी, मेरे पर्सनल थे वीडियो। तो उधर बम गिरा था, किसने गिराया? अमेरिका ने। अभी जब ओबामा गया पिछला ये 3 4 5 6 साल पहले, जब ओबामा का हुकूमती था ना, तो जापान वालों ने ये नहीं गुस्सा किया कि क्यों आ रहा है मेरा पास, हम लोगों का पास क्यों आ रहा है। यही होता है इंसान का अंदर। जापान अभी देखो कहाँ पहुंच गया, गुस्सा नहीं है वहां पर, हर चीज में बर्दाश्त है, प्यार से मुस्कुराते हैं लोगों से। और अगर आप किसी जगह में कचरा फेंको, वो आपके सामने से कचरा उठा के ड्रम में डाल देगा और आपको फिर भी ये करेगा हमारी मतलब अपने जुबान पे। तो ये होता है ना इंसान की मतलब, ये होता है जो सलूक, यही चीजें से मुल्क बन जाते हैं। इन्होंने यही चीज अख्तियार किया, अभी देखो जापान कहाँ पहुंच गया। अमेरिका के साथ भी दोस्ती है, हालांकि बम उसने मारा भी था, दोस्ती है ना। तो जापान अभी कहाँ पहुंच गया। ये चीज थाईलैंड में भी है। थाईलैंड में आप किसी को डिस्टर्ब करो या किसी को टोकर मारो, वो खुद ही बोलेगा सॉरी। क्यों? इन लोगों का अंदर ये चीज का एक्सप्लेन हो गया, मतलब ये चीज सिखाया गया कि किसी जगह में ये लोग गुस्सा नहीं करते हैं जल्दी। तो अभी देखो थाईलैंड में पूरा दुनिया के लोग आ रहे हैं टूरिस्ट, और इन लोगों का होटले वगैरह अभी सब कुछ चल रहा है ना, कारोबार चल रहा है, लेकिन इन लोगों के पास पेट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कंट्री डेवलपमेंट मतलब कंट्री में बहुत बड़े बड़े जगह हैं घूमने फिरने का, और मतलब ये क्या बोलते हैं, लोग दुनिया से भर के इधर आ रहे हैं। इसकी एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है, इसकी एयरपोर्ट भी मतलब बहुत बिजी है दूसरा बनिस्पत दूसरा मुल्कों से। तो लिहाजा एक दूसरा बात भी है, किसी भी भाईजान किसी भी बड़े आदमी से गुस्सा मत करो। क्यों? जब गाड़ी पुराना होता है तो गाड़ी भी आदमी को तकलीफ देता है ना, कभी ये चीज खराब, कभी वो चीज खराब, कभी टायर का व्हील मतलब कभी शाफ्ट गिर गया, कभी इंजन का कोई पार्ट्स प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पुराना है। पुराना गाड़ियों में अक्सर ये काम गैरेज का निकल जाते हैं। तो इंसान भी इसी तरह है। इंसान जब उम्र का थकावट होता है ना, तो उसकी दिमाग उसकी वो चीज नहीं रहेगा पहले जैसा। वो अपने दिल से गुस्सा नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कमजोरी फैला हुआ है। हो सकता है उसके अंदर ब्लड शुगर है, हो सकता है उसके अंदर शुगर का बीमारी है, सॉरी ब्लड प्रेशर है, उसकी नजरें काम नहीं करते हैं बराबर, तो उससे गुस्सा हो जाता है। लेकिन आप जब बर्दाश्त करोगे ना, तो उसका एहतराम करोगे ना, तो आपको अच्छा जो है ना जिंदगी मिल जाएगा आगे के लिए। ये चीज सीखो, किसी बड़े आदमी से गुस्सा मत करो। यूं समझ लो यार उसका भी एक्सपायर हो रहा है, मतलब उसका टाइम जो है ना अभी एक्सपायर होने वाला है, वो अभी बहुत बूढ़ा हो गया, देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, तो उससे गलती हो जाता है ना, उससे गुस्सा नहीं करने का है। दूसरा ये होता है कि हमारा हम लोग का भी नंबर आ जाता है, हम लोग भी कहाँ तक, जाना तो है ना मौत के सामने, मतलब एक दिन तो मर जाएंगे, ये तो बात 100% गारंटी है, लेकिन हम लोग बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे, तो हम लोग का भी यही हाल होगा। हम लोग कान से बराबर नहीं सुनेंगे, आंख से बराबर नहीं देख सकते हैं। अभी अगर मैं मतलब आंख से बराबर नहीं देख रहा हूँ, कान से बराबर नहीं सुन रहा हूँ, मेरा उम्र अभी मतलब 70 80 साल होने वाला है, या 70 साल या 65 साल मतलब, तो मैंने अगर एक रोड में चल रहा हूँ, पीछे से कोई बंदा आ गया, उसको अगर मेरे से ठोकर लग गया, वो मेरे ऊपर गुस्सा करेगा, तो उसका गलती है, क्योंकि मेरे कान बराबर नहीं है, मेरा आंख बराबर नहीं है, मेरा एज बड़ा है, तो गुस्सा नहीं करने का है। सही है भाईजान, ये चीज सीखो। इंसान हो होता है जो बर्दाश्त करे हर चीज में, तो मुल्क भी इस तरह बन जाते हैं। इन लोगों का अंदर बर्दाश्त है, अभी देखो हम लोग भी वहां से इधर आके जिंदगी मतलब यहाँ पर अभी देखो, कुछ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, काम वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब ही बना रहा हूँ, लेकिन मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, यहाँ पर गुस्सा नहीं है। हमारे मुल्कों में देखो
किसी को अगर कोई रोड पार करोगे तो गाड़ी भी स्पीड से चलाएगा, यानी उसको इतना घमंड है कि मेरे पास गाड़ी है, मैं इसकी सर के ऊपर चढ़ा दूं, यानी इस तरह हरकतें करते हैं, तो मुल्क कहाँ बने जाएगा भाई? मुल्क नहीं बन सकता है ना, मुल्क का अंदर फैसिलिटीज नहीं आएगा, मतलब मुल्क का अंदर वो क्या बोलते हैं, कूवी नहीं आएगा, मुल्क नहीं नहीं सुधरेगा, मतलब ना मुल्क के अंदर मतलब बहुत सारे ऐसे हालात हो जाएंगे जो हर जगह में गुस्सा ही गुस्सा बस। बाकी मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि मैं आप लोगों से मशवरा ले रहा था कि जापान जाऊं या ना जाऊं, मेरे बजट में कमी आ गया, अगर मैं ना भी जाऊं तो मुझे माफ करे, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि मैं इंडोनेशिया का टूर क्लास करके जापान जाऊंगा। अब यार जापान का टिकट मैंने आज भी चेक किया, कल भी चेक किया, रोज आज कल मैंने चेक किया तो 500 हजार रुपया जो थाईलैंड का कम बता रहा है, और आज सुबह मैंने चेक किया तो मैंने देखा और ज्यादा। तो इस वजह से मेरे पास अभी दोनों ऑप्शन पड़े हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोगों का कमांड कौन सी ऑप्शन मुझे देगा। अगर बोलेगा नहीं जाओ तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा रुक सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, मतलब यहाँ पर वीडियो वगैरह बना सकता हूँ थाईलैंड की और जगह भी। लेकिन अगर मैं जापान जाऊँ तो 3 दिन का वेट वहां पर बैठ सकता हूँ, 3 दिन के बाद मुझे फिर आना है, फिर थाईलैंड में एंट्री करूंगा, फिर यहाँ पर शायद हो सकता है 1 हफ्ता या 5 दिन, फिर इसके बाद सीधा पाकिस्तान। तो वहां भी यार लोड शेडिंग भी है, मैं यही घबराहट कर रहा हूँ कि वहां जाऊं तो करूंगा क्या, वहाँ लोड शेडिंग भी है, गर्मी भी है, दूसरा फैसिलिटीज नहीं है ना जैसा थाईलैंड में मुझे मिल रहा है, वहां पर नहीं है। अगर पैसा है भी तो आप घर से बाहर निकलोगे कहाँ जाओगे, ऐसे जगह भी है जहाँ पर आप 2 मिनट के अंदर बोर हो जाओगे, यहाँ तो बोरियत कम है इसलिए। बाकी बाकी यही चीज है कि यार इंसान आप लोग भी बर्दाश्त करो, किसी से गुस्सा नहीं करो, अपना इखलाक सही करो, कहीं भी जाके देखो। अगर आपने मिसाल तौर पर, मैं एक मिसाल देता हूँ, आपने एक आदमी के साथ गुस्सा किया, ठीक है, आपने उसको मार दिया, उसको मार मतलब आपका एनर्जी ताकत ज्यादा है, आपने उसको मार दिया, ठीक है, वो भी गुस्सा करेगा, लेकिन आपने उसका आप उसका उससे सवाई है, आपने उसको मारा, वो चला गया मार पीट के, मतलब उसका थोड़ा सा दांत मांत भी इधर उधर हो गया, आ चला गया, फिर यकीन मानो आप भी कुछ नहीं हो जाओगे, ये बात का याद रखो। आप घर में जाओगे 1 2 घंटा 3 घंटा या 4 घंटे के बाद सोचेगा यार मैंने क्यों मारा उसको बेचारे को, यार ये चीज आपको जिंदगी भर सताएगा। फिर आप किसी महफल में, किसी पार्टी में, किसी किसी की शादी में जाएगा ना, तो यकीन मानो यही बात आपकी जहन में आ जाएगा, फिर यार पिछला हफ्ते में मैंने किसी को मारा यार बेचारे को, तो उधर भी आप दुखी हो जाओगे, उसी शादी का पार्टी का अंदर भी ये बात आ गया है ना दिल में, तो आपको वो मजा नहीं मिलेगा। तो ये सजा जो है ना आप अपने लिए बनाओगे, किसी से गुस्सा करोगे, किसी को मारोगे, तो ये ऑटोमेटिक आपके ऊपर आ जाते हैं, ये कभी भी आजमाओ। शायद हम लोगों, मैंने भी किसी बंदे को कभी बचपन में किसी के साथ लड़ाई हो गया तो मैं घर में जाके सोचा भी था ना कि यार मैंने ऐसा हरकत क्यों किया, मैंने इसको क्यों मारा, उसने चलो अगर एक छोटी सी गलती किया, मैं अगर नहीं मारता, बातों से बात कर लेता, समझ जाता वो भी, तो मेरे को कोई नुकसान नहीं होता, आज मैं दुखी भी नहीं होता। तो घर में जाके ये चीज आ जाते हैं सर पे 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, फिर ये एक सजा जो आप दुखी हो जाओगे। दूसरा सजा जो है ना अल्लाह ताला की हुक्म से या कुदरत की मतलब कहीं से भी आ जाएगा आपके ऊपर, तो आपके ऊपर भी एक एक से इंसान आ जाएगा जो आपको मारेगा कभी ना कभी, या इंसान नहीं आएगा, कोई चीज ठोकर लग जाएगा, कोई गाड़ी चला रहा है एक्सीडेंट हो गया, कोई मोटरसाइकिल चला गया गिर गया पांव टूट गया, ये चीज आ जाते हैं, ये चीज हिस्सा ले लेते हैं आपसे। लिहाजा अब बात ये है कि शायद वीडियो बड़ा हो गया, कुछ बातें मैं भूल गया, लेकिन आज का वीडियो यही था कि मैंने आप लोगों से मशवरा, मुझे मतलब मेरे से मैंने मैं क्या बोलते हैं, मुझे आपसे लोगों से मशवरा लेना था कि ये जापान के लिए, अभी आज अगर आज या कल मैं टिकट नहीं लिया तो फिर नहीं जा सकता हूँ, टिकट बहुत आयर हो जाएगा, मतलब उसका कीमत बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर महंगा हो जाएगा, फिर नहीं जा सकता हूँ। कमांड में ये वीडियो जब आप लोग के पास आएगा, कोई बंदा अगर समझदार है मेरे से भी ज्यादा तो एक मशवरा दे दे, मेरे पास दो ऑप्शन पड़े हैं, या थाईलैंड में थोड़ा वक्त रुक सकता हूँ या जापान का टूर मार के पाकिस्तान, ये चीज है। जापान का टूर सिर्फ 3 दिन का होगा,
बाकी कह रहे सब ठीक ठाक है, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। ये मैं भी दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए। मेरे सब्सक्राइब बहुत कम है भाईजान, इस घबराहट में मैं पड़ा हूँ कि यार अगर सब्सक्राइब ज्यादा होता तो आंख बंद करके जापान भी जाता, कोई मुश्किल नहीं है यार। वीडियो मतलब मोनेटाइज हो रहा है ना, सब्सक्राइब अभी 200 तक, 200 समथिंग ना पहुंच गया। आप लोग मैं देखा पाकिस्तान का जो होता है ना, जो कंट्रियों का जो ऑप्शन आता है उसमें इंडोनेशिया के लोग ज्यादा देख रहे हैं, उसके बाद थाईलैंड के लोग, पाकिस्तान के लोग नहीं देख रहे हैं। हो सकता है मसरूफ हो जाए, हो सकता है ईद आ रहा है, रमजान है, ये नमाज तरावी में मसरूफ हो जाते हैं। मुझे गुस्सा नहीं है, मुझे मतलब परेशानी नहीं है, बाद में देख लेते हैं। लेकिन बात बात यही है कि आप लोग अभी ये वीडियो को देख के शायद हो सकता है कुछ समझदार लोग होते हैं ना, सब्सक्राइब के करें और अपना दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी मेरे तरफ से आप सबको सलाम, खुदा हाफिज़।